राजनीति के इस रंगमंच में जहां हर चाल का मकसद सत्ता की सीढ़ी पर कदम रखना होता है, वहीं राजस्थान में होने वाले उपचुनाव की बिसात बिछ चुकी है। खेल बड़ा है और राजस्थान के कांग्रेस के सामने इस बार कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जो पार्टी के अंदरूनी समीकरणों को भी हिला सकती है। राजस्थान में होने वाले 6 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। देवली, झुंझुनू और दौसा विधानसभा सीट पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत नजर आ रही है, जहां पार्टी को अपने उम्मीदवार उतारने में कोई खास दिक्कत नहीं होगी। लेकिन 84 खींवसर और सलुम्बर सीटों पर मामला उलझा गया है। इन सीटों पर कांग्रेस को गठबंधन के सवाल ने मुश्किल में डाल दिया है और अब ये फैसला पार्टी ने हाईकमान पर छोड़ दिया है। कांग्रेस की चुनौती इन तीनों ही सीटों पर गठबंधन को लेकर है। 84 सीट पर कांग्रेस भारत आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है, लेकिन सलुम्बर सीट को लेकर पेच फंस गया है। कांग्रेस अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए इस सीट को खुद के पास रखना चाहती है, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी दोनों ही सीटों पर चुनाव लड़ने को इच्छुक बताई जा रही है। खींवसर सीट पर भी कांग्रेस के प्रदेश नेताओं का मानना है कि गठबंधन के बजाय अपनी स्थिति को यहां से मजबूत किया जाए। और वहीं राजस्थान के राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन सीटों पर कांग्रेस की स्थिति कमजोर है। 84 में लगातार हार का सामना करना पड़ा है। खींवसर में परिसमन के बाद पार्टी का खाता भी नहीं खुला और सलुम्बर में 3 बार से पार्टी हारती रही है। ऐसे में कांग्रेस के एक धड़े का कहना है कि गठबंधन के जरिए बीजेपी को हराने की कोशिश में पार्टी खुद कमजोर हो सकती है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को इस सीट पर मजबूत प्रत्याशी भी नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे पार्टी को अतिरिक्त चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस के अंदर गठबंधन को लेकर अलग अलग मत भी राजस्थान में पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां कुछ नेताओं का मानना है कि इस लोकसभा चुनाव में बनी रणनीति को उपचुनाव में लागू करना समझदारी नहीं होगी, जबकि अन्य कुछ का कहना है कि बीजेपी को रोकने के लिए गठबंधन जरूरी है। अब इन मतभेदों के बीच अंतिम निर्णय हाईकमान स्तर पर ही होगा कि पार्टी गठबंधन की राह पर चलेगी या फिर अपने बलबूते पर राजस्थान में उपचुनाव लड़ेगी। राजस्थान की राजनीति में ये उपचुनाव कांग्रेस के लिए एक अहम मोड़ भी साबित हो सकता है। अब देखना होगा कि कांग्रेस किस राह को चुनती है, गठबंधन की या फिर अपने दम पर मैदान में उतरने की। चुनाव के खेल में ना केवल उम्मीदवारों का भविष्य तय होगा, बल्कि पार्टी के आगामी रणनीति की दिशा भी राजस्थान में इसी उपचुनाव से तय होगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या राजस्थान में गठबंधन के जरिए कांग्रेस चुनाव लड़ती है या फिर अपने बलबूते पर ही राजस्थान का उपचुनाव जीतेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।